दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारत की करारी हार के बाद अब भारतीय टीम की बल्लेबाजी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब इस लिस्ट में विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का नाम सबसे आगे है। दूसरी पारी में तो ऋषभ पंत के आउट होने के तरीके पर कुछ ज्यादा ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें, ऋषभ पंत ने अपनी पारी की तीसरी ही गेंद पर कगिसो रबाडा के खिलाफ आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में बिना खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए थे। अब इस पर भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ ने भी ऋषभ पंत के शॉट सिलेक्शन पर कई सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले। दोस्तों, भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ ने कहा है कि भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत से उनके शॉट चयन को लेकर बात करने की जरूरत है। वहीं राहुल द्रविड़ ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि ऋषभ पंत एक पॉजिटिव सोच वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने इसी तरीके से बल्लेबाजी भी की है और उन्हें सफलता भी हासिल हुई है, लेकिन हर शॉट खेलने का एक सही समय होता है। हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा शॉट कब खेलना है। इसके बाद राहुल द्रविड़ ने कहा कि कोई ऋषभ पंत से यह नहीं कहने वाला कि वो आक्रामक बल्लेबाजी न करें, लेकिन ऐसा करने के लिए सही समय चुनना पड़ता है। द्रविड़ ने कहा, जब आप क्रीज पर नए नए आए हैं तो खुद को ज्यादा से ज्यादा समय देना बेहतर होता है। ऋषभ पंत सीख रहे हैं और वो अलग तरीके से खेलते हैं, लेकिन वो सीखते रहेंगे। वहीं राहुल द्रविड़ ने यह भी कहा कि अगर भारत को तीसरा टेस्ट मैच जीतकर अफ्रीका में पहली बार टेस्ट सीरीज जीतनी है तो ओपनर्स बल्लेबाजों को कुछ सुधार करने होंगे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दो मैचों में विकेट थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहा है। मैं बल्लेबाजों को यह श्रेय देना चाहूंगा, लेकिन हमें हमेशा खुद को बेहतर करने के बारे में सोचना है। वहीं हमारे बल्लेबाजों को अहम मौकों को भुनाना होगा और जब भी कुछ साझेदारियां होती हैं उन्हें और लंबी करने के बारे में सोचना होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच जीत पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दे और क्रिकेट से रिलेटेड ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।